अश्वमेध घोड़े को छोड़ दिया गया और राम की सेना पीछे चल पड़ी। फिर जैसे ही उस घोड़े ने दूसरे राज्य में प्रवेश किया, यह किसका घोड़ा है? पकड़ लो इसे। महाराज, हमें इस घोड़े को पकड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है, यह अश्वमेध घोड़ा अयोध्या के महान राजा श्री राम का है। अच्छा, तब तो हमें भी इसकी रक्षा करनी चाहिए। मैं तो श्री राम की छत्र छाया में ही रहना चाहता हूँ। देखो देखो, कितना सुंदर घोड़ा है। इसे छूने की गलती मत करना, ये अयोध्या के राजा श्री राम का अश्वमेध घोड़ा है। इस तरह अश्वमेध घोड़ा कई देशों से होकर गुजरता रहा और इन देशों के सारे राजा श्री राम के अधीन हो गए।